अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है क्रिस्पी वेज बर्गर। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा और ये ट्राई भी कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो कमेंट्स करके भी ज़रूर लाजमी बताया करें आप कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। चले अब मैं चलती हूँ रेसिपी की तरफ। चार अदद मैंने आलू ले लिए हैं। आलूओं को मैंने उबाल लिया, उबाल के मैंने इनका छिलका उतार लिया। नमक है हसबे जायका, आधा चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा लिया है, आधी प्याली मैंने मटर लिए ये भी मैंने उबाल लिए पहले, चार चमचे मैंने प्याज काट लिए, तीन चमचे मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए, ये मैंने थोड़ी सी चीज ले लिए, एक चौथाई चमच मैंने हल्दी ले लिए, दो मैंने हरी मिर्च लिए, चाट मसाला लिया है मैंने आधा चम्मच, आलूओं को मैं मैश कर लूँगी, तोड़ लूँगी इनको अच्छे से छोटा छोटा। आलूओं का मैंने भरता बना लिया। अब मैंने ये उबली हुई मटर भी डाल दूँगी इसमें और मैंने प्याज भी डाल दूँगी इसमें, हरी मिर्चें, जीरा, हल्दी, कुटी मिर्चे, नमक, चाट मसाला, इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से हाथ से मिक्स कर लूँगी। इसको ऐसे मिक्स करना है कि इसमें मटर भी अच्छे से टूट जाए। तो ये भी डाल दूँगी अब इस पर और इसको भी अच्छे से आलू में मिक्स कर लूँगी। ये आलू सब अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इसकी टिक्कियां बना लूंगी। चार मैंने बॉल बना लिए आलू की और इसमें अब हाथों से फ्लैट कर दूंगी इनको। इस पे मैं अंदर चीज रख दूंगी और इसकी एक बॉल बना लूंगी। अब मैं इसको टिकिया हाथ से प्लेट कर लूंगी इसको। इतने मिक्सचर में मैंने 6 टिक्की बना ली है इसकी। 2 चमचे मैंने मैदा ले लिए, 2 चमचे मैंने कॉर्नफ्लोर, नमक मैंने हसबे जरूरत डाल दिया इसमें और थोड़ी सी मैंने पिसी हुई मिर्चे और इसको मैं मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी और इसको सब मिक्स कर दूंगी। सलरी में इसको मैं कोट कर लूंगी और इसको मैं अब मैं इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लूंगी। सारे में ऐसी कोट कर लूंगी। मैंने इन कबाबों को कोट कर लिया है, इसको मैं 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी ताकि चीज़ हमारी सेट हो जाए। 4 चमचे मैंने प्याज ले लिए, 2 चमचे मैंने शिमला मिर्च लिए और एक छोटे साइज की मैंने गाजर, इसको मैंने हरे लिए वो ले लिए। तीन चमचे मैंने मायनीज डाल दिए, थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, ज़्यादा नमक नहीं डालना, मायनीज में भी नमक होता है। थोड़ा सा मैं इसमें काली मिर्ची डाल दूंगी, एक तिहाई चम्मच इसमें और अच्छे से मैं चमचे की मदद से इसको मिक्स कर दूंगी। ये मैंने डॉन के बर्गर ले लिए हैं, के पास जो अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। मायनीज में मैंने हरी चटनी मिक्स की है वो जो मैं नीचे की साइड वाले हिस्से पे लगा दूंगी बनके। और ऊपर वाली साइड पे मैं केचप लगा दूंगी। आपको जो सॉस पसंद हो वो आप यूज कर सकते हैं। मैंने केचप लगाया है और मायनेज के साथ मैंने हरी चटनी
15 मिनट हो गए इनको रखे हुए, ये सेट हो गए होंगे। कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, तो ऑयल हमारा गरम हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं बर्गर हमारा सिक चुका है, अब मैं इसको डिश में निकालूंगी। अब मैं इसको हाफ कर दूंगी, कितने की चुनी, कितने क्रिस्पी। ये अंदर से कितने अच्छे बने, कितनी अच्छी लेयर आई है इसकी, चीज सब्जी और सब चीजें कितनी अच्छी अच्छे से आई है हमारी। क्रिस्पी वेज बर्गर मेरे तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा, और बहुत पसंद आएंगे आपको ये बर्गर। और कमेंट्स करके भी बताइएगा कि मेरे बर्गर कैसे बने, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अब मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला आपसे नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।